इतना निश्चल ने हे प्रभु इतना निश्चल ने राधा और कृष्ण की तरफ तो प्रभु फिर इन्हें मिलन की इतनी तरफ क्यों है आपको थी क्या नहीं ना राधा को मिलन की तरफ नहीं थी क्योंकि वे प्रेम अनुभूति है प्रेम आसरा है एक दूसरे को अपने दिल में बसा लेने प्रेम आसरा है एक दूसरे के दिल में बस जाने कितने सुलझे हुए हैं ना पूरा मैं सुलझा हुआ तो फिर आप दोनों अपने प्रेम को अपने हृदय में पलने दीजिए पूरी उम्र और मुझे माँ
अथक यौवन रस की विष से डसने वाली नरमोहिनी निष्कन्या चाहते। देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे, प्रेम सिर्फ समर्पण मानता है, बगैर प्रेम के प्राप्त कोई भी चीज आनंद नहीं देता, बगैर प्रेम के जीवन निर्जन है, जीवन में प्रेम ही सर्वस्व है और प्रेम तो सिर्फ समर्पण से प्राप्त हो सकता है। क्या ये समर्पण प्राप्त हो पाएगा आपको? खुसरो बाजी प्रेम की मैं पिय के संगी जीत गई तो पिया मरे, हारी तो पिय के संग। समर्पण मैं तेरे समर्पण की तो ऐसी थी तैसी करते रहूं, जब मैं इसके सारे अरमानों को पंख खोलने के लिए खुलता अपना दूंगा, बैठने के लिए दौलत की ढेर दूंगा, तो फिर तुम्हारी अकेतों की प्रेम कहानी तो दो अच्छे अच्छे अपने आदर्श तक की आहूति दे देते। और तेरा ये समर्पण मैंने कुछ भी कमाया नहीं है नवदास, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारा दौलत है और आपकी इस दौलत के ढेर पर तो हर जगह तुम्हारे जैसे मजनू भरे पड़े। आप मुझे मेरा प्यार दे दीजिए, बस गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांगने वालों को प्यार करने और उसे पाने का कोई अधिकार नहीं होता। पहले नर अर्थात निर्णय लेना सिख और फिर उन निर्णयों को समाज में स्थापित कर देने का मार्गदर्शक रख, जैसे सीता की अपनी परीक्षा के बावजूद उन्हें घर से निर्वासित किए जाने जैसे फैसले को राज न्याय की चारित्रिक पवित्रता का मूल्य बनाकर समाज पर थोप दिया गया। नर श्रेष्ठ बनाओ पहले खुद को, लेकिन फिर भी प्रेम सिर्फ समर्पण मानता है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। माता सीता ने अपने प्रेम की पवित्रता को स्थापित करने के लिए स्वयं को अग्नि परीक्षा हेतु समर्पित कर दी। आपके हिसाब से किसी नॉनसेंस के कहने मात्र से घर से निकालने तक के फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अपने प्रेम के नाम के प्रति किए गए समर्पण पर विश्वास था। तभी तो नाम नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम माता सीता बुलाने वापस चले गए। ये माता सीता के प्रेम का समर्पण ही तो था, ये माता सीता के प्रेम का समर्पण ही तो था कि उनके धरती गर्भ जाने पर फूट फूट कर राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम ने विलाप भी किया। सही कह रहे हैं, माता सीता ने अपने राम के प्रति आगाध प्रेम की निर्मलता में अपने जीवन के सर्वस्व सुख का एक एक करके एक नर के लिए, एक नर के कहने पर समर्पित कर दिया, क्योंकि वो एक स्त्री थे। नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते आप सब,
चित्रहीन मैं। शायद नर्सिस्ट बनने की पहली और अंतिम शर्त ही यही है।